हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो गाइस, आज का दिन है वीरवार और हमारा ब्लॉग शुरू हो चुका है। 3:30 बजे का टाइम हो रहा है लगभग। बच्चे स्कूल से आ गए थे और ये रहे बच्चों के यहाँ पे बैग्स। बच्चे खाना खा के बैठे हुए हैं, खाना खा रहे हैं, कुछ तो कुछ ने खा लिया और बिग बॉस देख रहे हैं, वो मैं अभी दिखाऊंगी आपको। और बाहर का मौसम देखिए, कुछ बारिश का मौसम हो गया है लेकिन बारिश नहीं होती है और कभी कभी तो बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ने लग जाती है, बुरी तरह तेज़ धूप होती है। आज थोड़ा ठीक है मौसम, कल भी थोड़ा ठीक था, पर देखो बारिश होती है कि नहीं। बारिश का मौसम तो बना हुआ है और बच्चों ने खाना खा लिया है बस। और यहाँ पे हमारा लास्ट बैच कपड़ों का धुल रहा है और साथ में हमारी यहाँ पे चाय बन रही है। ये देखिए, बच्चों को खाना खिला दिया था तो फिर अब हम सोच रहे थे चाय पी लेते हैं। और यहाँ पे लक्की है। हेलो लक्की, खाना खा लिया आपने? खा लिया। ये क्या है? चोकला के खा लो फिर जाके। ले चम्मच तो ले ले। और यहाँ पे मेरी बहन पता नहीं क्या कर रही है। और यहाँ पे ये बच्चे वो लेटा हुआ खाना खा के खा रहा है। लके आप अंदर जाके खाना इसको खाओ, जाओ, ऐसे गर्म नहीं होगा ना ये। तो यहाँ पे हमारी चाय बन रही है जब तक, और ये लक्की पता नहीं क्या कर रहा है। ये खा ले बेटा इसको बैठ के, गरम जी, गरम गरम। तो ये कल आया था ना, तो अभी गरम नहीं हो सकता है, माइक्रोवेव ना हमारा ख़राब हो चुका है फ्रेंड्स, तो जिस वजह से इसे कैसे गरम करेंगे हम पता नहीं। देखते हैं, कुछ तो जुगाड़ लगाते हैं इसका, करेंगे कुछ जब तक चाय बन जाएगी हमारी। तो ठीक है, हम अभी देखते हैं आपको बाकी सब काम हो चुका है हमारा। बच्चों को खाना पीना सब दे दिया था हमने। लक्की बहुत ही परेशान हालत में, और बस अभी थोड़ी देर में मिलते हैं फ्रेंड्स हम आपको, जब तक उसका हम चोकोला केक ठीक कर देते हैं। गाइस, यहाँ पे ना हम एक देसी जुगाड़ करने लगे हैं इसको गर्म करने के लिए। तो मैंने यहाँ पे ना कटोरी में पानी गर्म कर दिया है, तो मैं इसको पानी के अंदर इसको रखूँगी और देखते हैं फिर ये चोकोलावा केक निकलता है या नहीं निकलता है। चलो मैं देखती हूँ उसको करके, पहले मैं इसको उतार लेती हूँ यहाँ से स्टॉप लाइट तो चला। तो दोस्तों, मैंने यहाँ पे ना इसको उतार दिया है पानी को, अब मैं इसको थोड़ी देर के लिए इसमें रख देती हूँ बड़ी केयरफुली। चलो डूब तो गया ही, अभी देखते हैं 5-7 मिनट में मैं इसको करती हूँ निकालूंगी, इसके बाद देखेंगे निकलेगा या नहीं इसमें से लावा। तो बने रहिए वीडियो के साथ। तो गाइस देखिए, यहाँ पे ना मेरी जो ट्रिक थी ना बिल्कुल सक्सेसफुल हो गई है, और यहाँ पे देखिए इसमें लावा निकलने लगा है। क्योंकि ये कल आया था ना चोकोलावा केक, तो ये ना हमने फ्रिज में रख दिया था, तो थोड़ा सा जम गया था, जैसे फ्रिज में हो गया था, ठंडा हो गया था। तो ये जो ट्रिक मैंने करी है ना, गर्म पानी में इसको रख दिया था कटोरी को, और ये देखो बिल्कुल होने लगा है यहाँ पे बहुत ही अच्छे से। तो बस ये हो गया बिल्कुल खाने के लिए रेडी एकदम। मैं देख के आती हूँ अभी इसको लक्की को। तो दिखाओ लक्की कैसा हो रहा है, चोकोलावा निकल रहा है? अरे वाह, ये तो बहुत अच्छे से निकल रहा है। लक्की कैसा लग रहा है बताओ, हो गया ना सही? हाँ। जोर से बोल। हाँ सही हो गया। तो फिर इसको खाओ, देखना खा के टेस्ट में ठीक लग रहा है। लक्की इसको खा के बताएगा, खाओ बताओ कैसा लगा। यम्मी? हाँ यम्मी, एकदम फर्स्ट क्लास है ना। तो गाइस, अगर आप भी कभी ऐसे लाते हो ना केक, ये इस तरीके के चोकोलावा केक, और आप भी गलती से फ्रिज में रख देते हो ना, तो नेक्स्ट डे अगर आप खाना चाहो तो इसको गर्म पानी में ही रख देना इस कटोरी को 5-7 मिनट के लिए, और ये फिर से वैसा ही हो जाएगा जैसे ये आया था या जैसा हम इसको हमेशा खाते हैं। तो लक्की को खाने देते हैं हम ये केक, और हम अपनी चाय को देख लेते हैं फटाफट से। तो हमारी चाय तो बनी गई है बस, चलो बंद कर देते हैं इसको, तो बस चाय को सर्व कर लेती हूँ मैं फटाफट से। तो गाइस देखिए, हमारे यहाँ पे तो चलता रहता है पूरे दिन भर बिग बॉस, और देखिए कुछ ना कुछ झगड़े चलते रहते हैं बेबी का और अभिषेक के और एलबीसी, ये सब हैं। और हम तो अभिषेक को ही वोट करेंगे, और आप बताना किसको वोट करोगे। हमें तो यही सबसे बढ़िया लग रहा है लड़का, जब से आया जब से अच्छा अच्छे से खेल रहा है। तो बस बच्चों को देखने देते हैं बिग बॉस, और हम अपनी चाय डाल देते हैं। भगवान जी को तो भोग लगा दिया है हमने चाय का। तो गाइस चाय लेके चलते हैं, हम बैठते हैं अपने जगह पे आके। और हाँ गाइस, आपको एक चीज और दिखाते हैं हम आजकल ना हमें बहुत आदत पड़ गई है, हम ना ऑनलाइन बहुत सारी शॉपिंग करने लगे हैं। तो ये देखो, हमने यहाँ पे ना कुछ कुर्ते भी मंगाए थे, और मैं दिखा देती हूँ आपको, ये बहुत ही रीजनेबल प्राइस पे घर में भी पहन सकते हो आप, इधर उधर
पहन के भी जा सकते हैं। और ये हमें बहुत पसंद आया था डिज़ाइन, अचानक से देख के ही पसंद आ गया था। इसके अंदर देखिए यहाँ पे बेल्ट भी है, तो जब हम पहनेंगे कभी तो हम आपको दिखाएंगे ज़रूर। और एक ये है, ये पूरा ऐसे वाइट कलर की एम्ब्रॉयडरी हो रखी है इसके ऊपर, और ये भी बहुत ही सुंदर है। तो खोल के तो मैं अभी आपको नहीं दिखा सकती। ये इसका दुपट्टा है, ये वाइन कलर में है शायद से ना, वाइन कलर, हाँ ये वाइन कलर का सूट है। और ऐसे ही कुछ एक दो सूट और मंगाया है मैंने, एक ब्लू कलर का मंगाया है मैंने, इस टाइप का ब्लू, तो वो भी बहुत सुंदर लगा था हमें। और ये वाला कलर भी बहुत अच्छा लगा है, और साथ में ये भी ऐसा ही बहुत ही सुंदर लगा हमको। तो आजकल हमें रेडीमेड कपड़ों का ज़्यादा फैशन लग गया है, और ऑनलाइन में तो क्योंकि एक तो ईजीली ना रिटर्न भी हो जाता है, अगर कोई दिक्कत होती है साइज़ वाइज का तो जल्दी से रिटर्न भी हो जाते हैं। तो बस आजकल हम ये मंगा रहे थे। और बेडशीट तो हमने आपको दिखाई थी कैसे हमने मंगाई थी, तो एक दो बेडशीट हमने और भी मंगाई थी और वो भी बहुत अच्छी आ गई थी। तो अच्छा लगता है कई बार ऑनलाइन, कहीं अगर हम मार्केट वगैरह नहीं जा सकते, जैसे कि आजकल बहुत ज़्यादा गर्मी है, बारिश का मौसम है, तो मन भी नहीं करता जल्दी से कहीं निकलने का, तो फिर इसी वजह से हम ऐसे मंगा लेते हैं ऑनलाइन कपड़े आजकल। और ये देखो मैं अपनी चाय पी रही हूँ। तो ठीक है फिर फ्रेंड्स, अभी थोड़ी देर में मिलते हैं हम आपको चाय के बाद, पी लेते हैं मैं अपनी चाय फटाफट से। तो गाइस चाय वाय तो हमने पी ली थी, और मैं आपको बता देती हूँ एक चीज़, आजकल ना फ्रूट्स वगैरह सब्जियाँ वगैरह इतनी महंगी हो गई। ये देखो हमने ना जूसर लिया है, मौसमी का जूस, और इसमें हम जूस निकालते हैं, बहुत अच्छे से निकल जाता है, बहुत फ्रेश जूस निकलता है। और आजकल ना फ्रेंड्स सब्जियाँ बहुत ज़्यादा महंगी हो गई है, हमने मौसमी रखी हुई है लाके, और आजकल ना सब्जियाँ इतनी ज़्यादा महंगी हो गई है ना कि बस जिसकी कोई हद नहीं है। टमाटर प्याज सब कुछ इतना महंगा हो गया है जिसकी कोई हद नहीं है। तो हम तो गिनी चुनी सब्जियाँ लाते हैं आजकल, हम देखो टमाटर सिर्फ एक पड़ा हुआ है हमारे पास, और बस ये बैंगन, ये ऐसी छोटी मोटी सब्जियाँ लाते रहते हैं। बस क्या करें, कुछ समझ में नहीं आता क्या बनाएं क्या ना बनाएं। बस और ये कपड़े हमारे धुलने ही वाले हैं थोड़ी देर में, और बस जो हम, और फ्रेंड्स जो मैं आपको बाढ़ वाली बात बता रही थी ना, तो वो वाली बाढ़ तो अब बिल्कुल ठीक हो चुकी है दिल्ली में, और यहाँ पे मौसम पहले से काफ़ी अच्छा हो गया है। ये देखिए थोड़ी धूप निकलने वाली है, और ये बच्चा देखो कैसे देख रहा है मेरे को छोटा सा। तो बस ये बता रही थी मैं आपको, दिल्ली में बाढ़ जो आ रही थी वो बिल्कुल ठीक हो गई, क्योंकि उसके बाद ना नॉनस्टॉप कोई बारिश नहीं हुई बिल्कुल भी, दो तीन दिन से, चार पांच दिन से मतलब बारिश ही नहीं हुई है, और बहुत ही अच्छा लग रहा है अब मौसम पहले से। और अब कोई डर भी नहीं है इतना ज़्यादा कि भाई हाँ बारिश आएगी, बाढ़ आएगी या फिर कुछ भी। और बस सब्जियों के दाम तो बहुत ज़्यादा बढ़े हुए हैं, हम आजकल बच्चों को बस दाल ये सब मतलब ऐसे कुछ खिलाते हैं। और ये देखो कितना अच्छा लग रहा है, ये इसके अंदर ना कैंडल है, बहुत ही सुंदर लग रहा है। तो ये कौन लेके आया था वो कैंडल वाला? ये हमारा बेटा लेके आया था बड़ा वाला, कहाँ से पता नहीं, कहीं से लाया था, लेकिन बहुत ही सुंदर लग रहा था। और बस ये कपड़े हमारे धुल जाएंगे अभी। और फ्रेंड्स हम तो ना आजकल बच्चों को दाल चावल ये सब दिन में तो यही सब दे देते थे, क्या करें फिर, और क्योंकि बच्चे फिर चूजी हो जाते हैं, हमें तो ये सब्जी नहीं खानी, हमें वो सब्जी नहीं खानी, बस ये चलता रहता है उनका। और यहाँ पे देखो ये क्या रखा हुआ है, ये देखो ये किसी की मुंडी रखी हुई है, ये दम्मी है, ये मेरी ना बहन ना वो ब्यूटी पार्लर का कोर्स कर रही है ना, तो इस वजह से उन्होंने रखी हुई है ये। उसका भी एक चैनल बनने वाला है बस थोड़े टाइम बाद, क्योंकि वो बताएंगी कि कैसे कैसे पार्लर का कोर्स करती है वो, और कैसे कैसे क्या क्या ट्रिक्स होती है, आप जाके देखना उनका चैनल, अगर जब चैनल बन जाएगा ना तो हम आपको लिंक देंगे उसका, फिर आप देखना। और बस हम यही बता रहे थे आपको बस फ्रेंड्स। तो आजकल इतनी महंगाई बढ़ी हुई है ना जिसकी कोई हद नहीं है बिल्कुल भी, टमाटर सब्जियाँ सब इतनी महंगी हो रखी हैं कि बस पता नहीं क्या होगा इस देश का, हमेशा कुछ ना कुछ, कभी कुछ बढ़ जाता है, सब्जियों के दाम बढ़ जाते हैं, कभी पेट्रोल के दाम बढ़ जाते हैं, कभी सिलेंडर के सीएनजी के दाम बढ़ जाते हैं, कभी कुछ मतलब ये सब चलता ही रहता है, कभी कुछ अच्छा होता नहीं है, होता भी है तो बस यही है कि बस कोई आज प्रधानमंत्री ने ये अच्छा काम कर दिया, ये वो अच्छा काम कर दिया, बस ये चीज़ें जो मेन जरूरी काम है ना जो वो नहीं करेंगे। चलो कोई बात नहीं, अब जो भी है धीरे धीरे सब ठीक होता जाएगा। बाकी वहाँ पे सामने से शायद से लोग देख रहे हैं हमको, कोई बात नहीं देखने दो, मैं हटा देती हूँ। और बस फ्रेंड्स आज तो हमने काफ़ी टाइम बाद वीडियो बनाई थी, और फिर इसके बाद देखते हैं हम डेली, अगर हमसे हो सकेगा तो हम वीडियो डेली बनाएंगे, और जो भी कंटेंट होगा वो, एक तो ये है ना कि बाहर जाके भी दिखाए हम कुछ भी, तो हम बाहर तो जा नहीं पा रहे ना कई दिनों से, वही मौसम गर्मी की वजह से या फिर कुछ भी कह लो, आलस भी आजकल इतने मौसम में आ जाता है, बेकार लगता है गर्मी में, धूप ज़्यादा होती है, चिपचिपाए इतने घमस वाला मौसम हो रखा है ना कि मन ही नहीं करता कहीं जाने का। तो बस यही सोच रहे थे हम घर ही घर में क्या दिखाएं क्या ना दिखाएं, समझ में नहीं आता,
तो बस इस वजह से हम वीडियो भी नहीं डाल पा रहे थे। फिर आप लोग जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं करते हो, और प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें फ्रेंड्स, ताकि हमें भी जज्बा आए कि हाँ हम भी अच्छी अच्छी वीडियोज़ बना के डालें और आपको दिखाएं अच्छी अच्छी वीडियोज़ को। तो फ्रेंड्स चलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी वीडियोज़ अच्छी लगती हैं तो। और बस आपको यही मैं बोलूँगी, आज काफ़ी दिनों बाद वीडियो जो हमने बनाई थी, तो बस यही मैं बोलना चाहूँगी कि आज हम अब से हम शायद हो सकता है डालें रोज वीडियो, हो सकता है हफ्ते में एक या दो वीडियो भी डाल सकते हैं, जो भी होगा आपको पता चल जाएगा। बस आप हमारी वीडियोज़ को देखना ना छोड़ें और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें जिन्होंने अभी तक नहीं करा है वो, और लाइक्स भी करते रहें ताकि हम खुश होते रहें और हाँ हमारे अंदर जोश आए कि हाँ चलो वीडियोज़ डालते हैं, डेली डालते हैं। तो बस फ्रेंड्स चलो मिलेंगे आपको फिर नेक्स्ट वीडियो में, या तो कल या फिर उसके बाद देखो कभी भी। तो बस फिर अब हम डिनर विनर की तैयारी करेंगे थोड़ी देर में, कपड़े बस धुलने वाले हैं। तो बस फिर मिलेंगे आपको हम कल या फिर जब भी। तो बस ठीक है फ्रेंड्स, चलिए करते हैं वीडियो को एंड, और बस बाय बाय।